गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कैसे आप सभी? एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में हमने वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देख लिया था। आज हम टिश्यू अरेंजमेंट देखते हैं। अगर हम कोई भी डाइकोटिस स्टेम का सेक्शन लेते हैं तो उसमें कौन कौन से टिश्यू किस किस तरीके से अरेंज होंगे, कौन कौन सी लेयर होगी, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम को हम डिस्कस करते हैं और उसमें कौन कौन से टिश्यू अरेंज हो जाएंगे, किस किस तरीके से, वो हम देखते हैं। तो मैं यहां पर कुल मिला के टिश्यू अरेंजमेंट की बात करनी है। टिश्यू अरेंजमेंट कि कौन कौन से टिश्यू और किस किस तरीके से वो अरेंज होते हैं। बेटा अगर मैं टिश्यू अरेंजमेंट की बात करूं तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको जो टिश्यू दिखाई देता है किसी भी पार्ट के अंदर वो कौन सा हो गया आपका? एपिडर्मिस। मैं सिर्फ पहले नाम लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टिश्यू अरेंज होंगे। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद में देन हाइपोडर्मिस, देन जनरल कोर्टेक्स, फिर आपका एंडोडर्मिस, उसके बाद में पेरिसाइकिल, देन वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के बीच में यहां पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रे बोल देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? मेडुलरी रे मिलेगी। और जो सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, बिल्कुल बीचों बीच का जो पार्ट होगा जो वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, दैट इन नोन एज द पिथ, उनको हम पिथ बोलते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे टिश्यू रहते हैं अगर हम स्टेम की बात करें तो। रूट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। रूट में क्या क्या अलग होगा वो अभी हम कंपेयर करेंगे, तो हम साथ के साथ में देखते हुए चलते हैं, है ना, कि क्या क्या सिमिलरिटीज होगी और क्या क्या डिसिमिलरिटीज होगी। बट इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक आइडिया के बारे में बात करना है कि कौन कौन से टिश्यू होंगे और किस किस तरीके से वो आपके अरेंज होंगे, वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ये जितने भी टिश्यू हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो एंडोडर्मिस के अंदर है सारा पार्ट, और जितना भी टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर है जैसे कि पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे, पिथ, दिस वन इन नोन एज द इंट्रास्टेलर, इसको हम स्टील या फिर इंट्रास्टेलर टिश्यू बोल देते हैं ना। ऑल टिश्यू प्रेजेंट इन साइड द एंडोडर्मिस कलेक्टिवली नोन एज द स्टील या फिर इंटरस्टीलर टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो बाहर की तरफ है सेकेंड वन एपिडर्मिस से लेके और जो आपका एंडोडर्मिस तक है आउटसाइड है, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यू, दैट इज एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यू। ठीक है, ये चीज तो हमने यहां पर दो बना दिए पार्ट, एक तो एक्स्ट्रा स्टीलर और दूसरा कौन सा आ गया बेटा, इंटरस्टीलर आ गया। ठीक है, और ये दोनों जो पार्ट है आपके इंटर और एक्स्ट्रा, दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, वहां पर बेटा हम ये चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम किसी भी एक स्टेम का सेक्शन लेते हैं, आप किसी भी चीज का ले सकते हो, रूट का भी ले सकते हो, स्टेम का भी ले सकते हो, कुल मिला के आपको जो बेसिक टिश्यू हैं बेटा वो समझने के कौन कौन से होंगे और किस किस तरीके से वो अरेंज होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके बाद में एनसीईआरटी में भी डायग्राम गिवन है, वहां से मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक स्टेम है, ठीक है, प्लांट है, वो देश का स्टेम है। मैंने इस स्टेम को बेटा कट किया और इसका क्या ले लिया, टीएस ले लिया।
टीएस ऑफ स्टेम, ठीक, टीएस ऑफ स्टेम लिया मैंने, तो जो स्टेम लिया है बेटा वो टीएस लेने के बाद में कैसे अपियर होगा आपको, कुछ ऐसा अपियर होगा, गोल होगा भाई टीएस में। अब इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू थे वो आपको इस सर्कुलर वाले डायग्राम के अंदर इजीली ऑब्जर्व होंगे, ठीक है, कौन कौन से टिश्यू थे, किस किस तरीके से अरेंज होंगे, वो हर एक चीज आपको यहां पर दिखाई देगी। जैसे मैं बता कि जो सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू रहता है दैट इज द एपिडर्मिस, तो बेटा चाहे आपकी रूट हो चाहे स्टेम हो, सबसे बाहर की तरफ आपका जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बना देता हूं, दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए टिश्यू दैट इज एपिडर्मिस, इस तरीके से दिखें, ठीक है, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट दैट इज एपिडर्मिस। आपने स्टेम के केस में पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस है वो मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसके ऊपर क्यूटीन की कोटिंग होती है, दैट आउटर ग्रोथ इन नोन एज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन नोन एज द जो मल्टी सेलुलर होगी उसको बेटा हम क्या बोल दें, नोन एज द ट्राइकोम, याद होगा शायद, तो दीज आर द ट्राइकोम जो एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो दिस वन इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन दैट इज द ट्राइकोम, ठीक है। उसके बाद में बेटा स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम में आ जाता है आपका दैट इज कोलन काइमा का बना हुआ टिश्यू दैट इज नोन एज द हाइपोडर्मिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस पूरे में दिखाऊं तो मैं एक तरफ भी बना के समझा सकता हूं भाई, पूरे में ऐसे चारों तरफ रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन ले लूं ऐसे तो भी बात तो वही रहेगी। बट चलो अभी आपको मैं बेसिक समझा देता हूं कि यहां पर आ गई बेटा आपकी हाइपोडर्मिस, ठीक है, तो जो हाइपोडर्मिस है वो किस चीज की बनी होगी, कंसिस्ट ऑफ द कोलन काइमा, ठीक है, किसकी बनी होगी, वो कोलन काइमा की बनी होगी, और अगर मोनोकोट में बात कर दे हाइपोडर्मिस तो वो किसकी बनेगी, वहां पर आपकी स्क्लेरल काइमा की बनी हुई होगी। तो बेटा दिस वन इज द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। डाइकोट की अगर बात कर रहे हो तो किसकी बनी होगी, ये कोलन काइमा की, ये डाइकोट स्टेम का है ना, तो कोलन काइमा की, अगर मोनोकोट का होता तो स्क्लेरल काइमा की। उसके बाद में बेटा फिर यहां पर मिलेगा आपको कुछ बेसिक टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल कोर्टेक्स बोलते हैं, तो दिस वन इज द जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स बेटा पैरेन्काइमा का बना होगा जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होगा, और वो कोर्टेक्स ऑफ पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस कर सके दैट इज नोन एज द क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस के बाद में बेटा नेक्स्ट वन आ गया आपका थर्ड जो एक ग्रीन वाला है दैट इज जनरल कोर्टेक्स, क्या बोला इसको, जनरल कोर्टेक्स बोल दिया, वो जनरल कोर्टेक्स किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का बना हुआ है। अब बेटा जनरल जो ये कोर्टेक्स है इसी की ही कुछ लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बना देती है क्या आपकी, दैट इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की बेटा फॉर्मेशन कर देती है। तो यहां पर आपकी खत्म भाई फैन, चलो इसी से समझाता हूं मैं आपको। तो ये
बन गया क्या आपका एंडोडर्मिस। तो दिस वन इज द एंडोडर्मिस, जो कैसे होगा बेटा, बैरल शेप होगा, है ना। तो दिस वन इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसका बना हो सकते हैं, जनरली बना हुआ किसका आपका पैरेन्काइमा का या फिर स्केलेन्काइमा का भी हो सकता है। तो आप इसको पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी कर सकते हैं, दोनों का बना हो सकता है। इसके नीचे बेटा आपको लेयर मिलेगी कौन सी, पेरिसाइकिल। दिस वन इज द पेरिसाइकिल। ये जो दिखा दिया आपको एक वेवी रिंग सी, तो दिस वेवी रिंग इज नोन एज द पेरिसाइकिल। दिस वन इज द पेरिसाइकिल। बेटा इसका ध्यान रखना ये यहां पर है कि जो ये एंडोडर्मिस है, ये तो सॉरी इसी की मॉडिफिकेशन है, जनरल कोर्टेक्स की मॉडिफिकेशन है, तो ये तो आपका पैरेन्काइमा का ही बना होगा, है ना। लेकिन जो ये पेरिसाइकिल है, ये आपकी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बना हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये आपकी बैरल शेप स्ट्रक्चर हो गई है, जो ईट के जैसी दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर में, दीज आर द एंडोडर्मिस, ठीक है। और ये जनरली किसका बना रहता है, जनरल कोर्टेक्स का मॉडिफिकेशन है, तो पैरेन्काइमा नेचर का रहेगा। लेकिन जो इसके नीचे एक वेवी रिंग आई है, दैट इन्होंने द पेरिसाइकिल, जो पैरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा की बनी हो सकती है, ठीक है। अब इसके नीचे बेटा आपको और क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेंगे आपको वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल आपको याद होंगे, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप करवाए थे, कौन ज्वाइंट, कोलेटरल, कौन सेंट्रिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बेटा मैंने आपको करवा रखे हैं। तो अगर मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं, तो डाइकोट स्टेम है द यू स्टील वास्कुलर बंडल, यानी कि जो वास्कुलर बंडल है बेटा वो रिंग मैनर में अरेंज होंगे, वो रिंग मैनर में क्यों होंगे, अरेंज होंगे। नीचे की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ये बेटा वास्कुलर बंडल है और एक रिंग मैनर में अरेंज हो रहे हैं। अब इसी बेसिक बातें कर रहे हैं, इन हर एक चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम टीएस ऑफ डाइकोटिक स्टेम देखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक टिश्यू आपको समझाना है कि क्या क्या होता है और किस किस तरीके से अरेंज होता है, बाकी इन सभी को हम अच्छे डिटेल से डील करेंगे। तो यहां पर बेटा आ गया आपका क्या, दैट इज वास्कुलर बंडल। डाइकोट में अगर वास्कुलर बंडल की बात कर दोगे, एक तरफ है कॉन ज्वाइंट, ठीक है, और एक ही तरफ है तो कोलेटरल, और बेटा इसके बीच में इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि डाइकोटिस स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहां पर वास्कुलर बंडल के कौन से टाइप हो गए, कौन ज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन वास्कुलर बंडल। याद होगा आपको बताया था कि ओपन और क्लोज वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, वो वास्कुलर बंडल जिसके अंदर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट हो तो उसको आप ओपन बोलते हैं, व्हेन IFCR इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम रिंग, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम रिंग अगर प्रेजेंट होगी तो बेटा वो क्या कहलाएगी, ओपन, यानी कि वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकती है, डिवीजन कर सकते, ठीक है। अभी इनके बीच में देखो ये जो खाली स्पेस रह गया है, जो ये फ्री स्पेस रह गया है ना, यहां पर पैरेन्काइमा टिश्यू होगा जो डिवीजन करने के लिए कैपेबल होगा। तो ये जो बीच की जो आपको रेडिएशंस दिखाई दे रही है, दी जानो ने द मेडुलरी रे, बेटा इसको हमने क्या बोल दिया है, मेडुलरी रे बोले,
बोलते हैं इसको, मेडुलरी रे। और जो बेटा मेडुलरी रे है वो किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे क्या आ गया आपका, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय द मेडुलरी रे, जिसको आप प्राइमरी मेडुलरी भी बोल सकते हो, और किसका बना होगा वो पीआर, यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बीच में देखो ये जो स्पेस रह गया थोड़ा सा है ना, ये जो फ्री स्पेस रह गया सेंट्रल में बीच में बेटा, दिस वन इन्होंने द पिथ, इसको हम पिथ बोलते हैं, दैट सेंट्रल पार्ट इन्होंने द स्टार्टिंग में लिविंग होता है, कंडक्टिंग पार्ट रहता है, पैरेन्काइमा का बना रहता है, लेकिन बेटा जैसे जैसे यहाँ पर डिपोजिशन होता जाएगा तो धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, और कैसे होता जाएगा, ये डेड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये सारे के सारे टिश्यू आपके सामने अरेंज हो गई है कि किस किस तरीके से अरेंज होगी। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, ठीक है, सिंगल लेयर्ड है। स्टेम के केस में क्या देगा, ट्राइकोम, और रूट के केस में क्या देगा आपको, रूट हेयर। इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है, दैट इज द हाइपोडर्मिस, ठीक है, कोलन काइमा का है। मोनोकोट में किसका बना होगा, ये स्केलन काइमा का बना होगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये जनरल कोर्टेक्स आ गया। मैंने आपको बताया था कि कोर्टेक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, या जो कोर्टेक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कोर्टेक्स तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है। कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जनरल कोर्टेक्स की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है बेटा। दूसरा आता है आपका दैट इज जनरल कोर्टेक्स, ये भी इसी का ही है। और तीसरा मैंने आपको बोला था एंडोडर्मिस है ना, ये तीनों की तीनों बेटा जो पार्ट हैं किसकी मॉडिफिकेशन है, किसके टाइप है, ये कोर्टेक्स के ही टाइप है। इसी के डिफ्रेंशिएट होने से तीन अलग अलग चीजें बनी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एपिडर्मिस, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कोर्टेक्स, यहां पर आपकी बैरल शेप स्ट्रक्चर बन गई है दैट इज एंडोडर्मिस, ठीक है। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी से मैं आपको टिश्यू बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डायग्रामेटिकली अरेंज होंगे, इनका क्या केमिकल नेचर है, रूट और स्टेम में क्या अलग अलग होगा, वो हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जहां पर भी मैं पेन सर्कल करने लग रहा हूँ, दिस वन इज द एंडोडर्मिस। उसके नीचे फिर आपको रेड कलर का टिश्यू दिखाई दिया, रिंग की फॉर्म में दिखाई दिया, वेवी फॉर्म में दिखाई दिया है, तो दिस वन इज नोन एज द पेरिसाइकिल। ये क्या है, पेरिसाइकिल है, ठीक है। पेरिसाइकिल के नीचे ये क्या हुआ है, वस्कुलर बंडल है, जो रिंग मैनर में अरेंज होंगे इन केस ऑफ द डाइकोट स्टेम दैट इज द यू स्टील कंडीशन बेटा, इसको बोल देते हैं नोन एज द यू स्टील कंडीशन। इसके बीच में देखो यहां पर जो मैंने ये रेडिएशन से बनाई है, दीज रेडिएशन आर नोन एज द मेडुलरी रे, इसको हम प्राइमरी मेडुलरी रे बोल देते हैं। ये जो बीच का जहां पर अभी मैंने ये ग्रीन पेंसिल रखी हुई है, तो दो वस्कुलर बंडल के बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय द पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज नोन एज द मेडुलरी रे, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। बेटा अब जो ये सेंट्रल पार्ट बच गया इसका दैट इज नोन एज द पिथ। स्टार्टिंग में ये लिविंग होता है, पैरेन्काइमा का था, कंडक्टिंग पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है तो इसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट बन जाता है। बेटा ये हो गया यहाँ पर टिश्यू का अरेंजमेंट कि कौन कौन से टिश्यू किस किस तरीके से अरेंज होते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको इस वीडियो में एक बार एनसीईआरटी में पेज नंबर 92, बेटा अगर आप लोगों के पास में एनसीईआरटी है तो प्लीज पेज नंबर 92 ओपन करिएगा, वहां पर मैं आपको ये सारे के सारे टिश्यू एक साथ में कंपेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा पेज नंबर 92 दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखो आपके दोनों तरह के स्टेम रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ऊपर दे रखा है डाइकोट और नीचे दे रखा है मोनोकोट का, दोनों स्टेम आपके दे रखे हैं, लेकिन हमें बात करने किसकी बेटा, डाइकोट स्टेम की करनी, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक एक पार्ट वाइज रिप्रेजेंट करता हूँ। एपिडर्मल हेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोम बोलते हैं। उसके बाद में एपिडर्मिस दिखा रखी है, फिर यहाँ पर आपकी हाइपोडर्मिस दिखा रखी है,
बेटा हाइपोडर्मिस नंबर में कितनी होगी? दो से लेके तीन लेयर में प्रेजेंट होगी हाइपोडर्मिस। किसकी बनी रहेगी? कंसिस्ट ऑफ द कोलन काइमा। उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पैरेन्काइमा टिश्यू लेके दिखा रखा है, ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है, तो दिस वन इज द जनरल कोर्टेक्स। जनरल कोर्टेक्स के बाद में बेटा ये जो दिखा रखा है दिस वन इज द एंडोडर्मिस। ठीक है, स्टेम के केस में हम एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ बोलते हैं, और रूट के केस में क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देते हैं। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ ये कोई भी इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ मैं आपको टिश्यू का अरेंजमेंट बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। तो एंडोडर्मिस को बेटा हमने स्टार्च सीथ बोला है इन केस ऑफ द डाइकोट स्टेम। ठीक है, अगर रूट की बात कर देंगे तो वहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद में बेटा नीचे क्या मिलेगी आपको? पेरिसाइकिल, जो स्क्लेरल काइमा की भी हो सकती है और पैरेन्काइमा की भी हो सकती है, वो आपके एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेंगे। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो प्राइमेट से अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर द वस्कुलर बंडल। बेटा ये वस्कुलर बंडल है, नीचे की तरफ क्या जाइलम, बाहर की तरफ क्या होगी? फ्लोएम। और आपको पता है कि स्टेम में कौन सी कंडीशन रहती है? दैट इज द एंडार कंडीशन। और एंडार कंडीशन बेटा मैंने बताया था कि तो प्रोटो जाइलम कहां पर हो? अंदर की तरफ। और जो मेटा जाइलम हो वो कहां पर हो? बाहर की तरफ हो। प्रोटो जाइलम अंदर और मेटा जाइलम बाहर की तरफ, तो उसको आप क्या बोलते बेटा? एंडार कंडीशन बोलते हो। ठीक है, तो डाइकोट स्टेम या फिर स्टेम ऑफ द एंडार कंडीशन, एंडार कंडीशन मिलेगी। यहां पर देखो जो बीच का इनका स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस था बेटा, वहां पर मैंने पेंसिल से कुछ डार्क रीजन ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये जो डार्क रीजन है जो पेंसिल से दिखा रखे हैं, दिस वन इज द मेडुलरी रे। क्या है ये? मेडुलरी रे, जो किसकी बनी हुई है? कंसिस्ट ऑफ द पीआर, दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यू। तो बेटा ये इन दोनों के जो बीच का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द मेडुलरी रे कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। अब ये जो इस रीजन बच गया है अंदर का, जो ये फ्री स्पेस जो बच गया है, तो दिस वन इज नोन एज द पिथ। ठीक है, पिथ है। आप बोलोगे सर उधर तो आपने छोटा दिखाया था, बेटा अपने पास स्पेस कम बचा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पिथ दिखाया था, बट पोजिशन ये रहेगी। अच्छा, पिथ का साइज बेटा स्टार्टिंग में कैसे रहेगा? बड़ा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता हो जाएगा, वैसे वैसे बेटा पिथ का साइज छोटा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, शॉर्ट होता हुआ जाएगा, क्योंकि जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो बेटा टिश्यू ऐड होंगे, और टिश्यू ऐड होते जाएंगे तो टिश्यू अंदर की तरफ भी ऐड होते जाएंगे और बाहर की तरफ भी ऐड होंगे। तो अगर अंदर की तरफ ऐड होते जा रहे हैं तो जो पिथ का साइज जो पहले काफी ज्यादा बड़ा था, वो अभी धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा? शॉर्ट, नैरो होता जाएगा, और लास्ट में टिश्यू जाके काफी कम्पैक्टली क्या हो जाते हैं? पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल या फिर नॉन कंडक्टिंग पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा टीएस। अब ये दे रखा रखे बेटा इसका टिश्यू लेवल पे दिखा रखा है, इसी चीज को टिश्यू लेवल पे, यानी कि अगर मान लो मैं इतना एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं, है ना, तो कैसे दिखाई देगा? वो चीज दिखाई देगी। ट्राइकोम, एपिडर्मिस, कोलन काइमा, जनरल कोटेक्स का पैरन काइमा, यहाँ पर फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर यहाँ पर आपका फ्लोएम, बीच में कैम्बियम रिंग, फिर यहाँ पर मेटाजाइलम, फिर यहाँ पर प्रोटोजाइलम, और नीचे क्या आ गया बेटा आपका? पिथ। तो एक छोटा सा सेगमेंट लेके उसको टिश्यू लेवल पे इधर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो बेटा ये हो गया है टिश्यू का अरेंजमेंट। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन मैं आपको साथ के साथ में एक बार बेसिक और बता देता हूँ मोनोकोट स्टेम का, ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट स्टेम को, अलग से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमें टिश्यू लेवल का अरेंजमेंट ही देखना था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर बेटा एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, उसके बाद ना आगे आपको जनरल कोर्टेक्स मिलेगा, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पिथ। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही हाइपोडर्मिस है तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू रेंडमली फैला हुआ है। जो वस्कुलर टिश्यू है बेटा जाइलम फ्लोएम, वो देखो इरेगुलर मैनर से फैले हुए हैं, तो यहाँ पर आगे का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। टिश्यू लेवल पे आप देख सकते हो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद में आपका क्या आ गया? वस्कुलर बंडल, और यहाँ पर क्या आ गया आपका? ये जो भी ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द ग्राउंड टिश्यू। तो
तो ये आपका डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के बीच में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। बट वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ मैंने आपको एक बार बता दिया बेसिकली कि क्या है। तो बेटा यहाँ पर आ गया आपका डाइकोट स्टेम का TS, उसमें कौन कौन से टिश्यू किस किस तरीके से अरेंज होंगे वो आपके सामने कंप्लीट है। तो बेटा यहाँ पर हमने कौन कौन से टिश्यू होंगे किस किस तरीके से अरेंज होंगे वो हमने यहाँ पर देख लिया। देखो वेरिएशन थोड़ी बहुत जरूर होगी स्टेम के केस में, मोनोकोट का हो चाहे वो डाइकोट का हो, चाहे वो मोनोकोट की रूट हो या फिर डाइकोट की रूट हो, तो जो टिश्यू का अरेंजमेंट होगा बेटा वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा। लेकिन बेसिक था वो हमने देख लिया है, और बेसिक का भी ये मान लो कि हमने 60% पार्ट देखा है, 40% पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ में डिस्कस करवाता हूँ। आई होप शायद आपको कुछ बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा। तो बेटा थैंक यू सो मच, प्लीज बने रहिएगा, पूरी मेहनत से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, इंजॉय करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।